तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं कॉम्पिटेटिव मैथ्स का एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर समझाने का मेरा एक खास मकसद है। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से समझ लिया है और साथ ही साथ फ्रैक्शन रूल के कुछ वीडियोज भी हमने कर लिए। सो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन रूल अच्छे से समझ लें, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहले तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इसका इंट्रोडक्शन ज्यादा बड़ा है नहीं, तो इसमें पूरी क्लास हम नहीं लगाएंगे। सो इसमें सबको पता है प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होती है, तो उससे ही रिलेटेड मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। सो आज की वीडियो हमारी ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम क्या समझने वाले हैं आज की वीडियो में। सो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूले आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पे। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस सबको पता है, हिंदी वाले बच्चे जो हैं, हिंदी वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जब भी कोई, देखिए यहां पर आपको सोचना पड़ेगा एक दुकानदार के हिसाब से, ठीक है। दुकानदार के हिसाब से सोचिएगा, तभी ये चैप्टर आपको समझ आएगा। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किसको होता है, जो दुकान में काम कर रहा होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उन्हीं को प्रॉफिट और लॉस होता है। घर वाले तो प्रॉफिट लॉस नहीं समझते ना, घर वाले तो ये सोचते हैं हाँ चलो ठीक है, 1000 रुपए की चीज थी, हमको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, हमको तो फायदा हो गया। हालांकि उनको असली में नहीं पता वो चीज कितने की थी, वो खुश हो जाते, ठीक है। तो घर वालों के हिसाब से नहीं, ये हम समझेंगे चैप्टर जो है ये सप्लायर के हिसाब से या कोई बिजनेसमैन के हिसाब से। इतना क्लियर है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जब भी कोई दुकानदार, ठीक है, जब भी कोई दुकानदार कोई सामान लेके आता है। अब देखो कैसे बिजनेस चलता है, आपको पता ही है कि प्रोडक्शन करना पड़ता है पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी ही होती है। और प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, किसी चीज को बनाना, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, कुछ भी बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल जितने में खरीदा है, ठीक है, रॉ मटेरियल जितने में खरीदा है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, उस चीज की कॉस्ट प्राइस। अब ये रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, क्योंकि बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि एक कच्चा माल खरीदा जाता है और उसमें थोड़ा पैसा लगा के उसका कुछ मेन पार्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। उससे हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो डायरेक्ट यूजफुल हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि लकड़ी जो होगी वो कच्चा माल होगी, और लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि आपने फर्नीचर बना के बेचा उसको, तो फर्नीचर हो गया फाइनल सामान, ठीक है, फाइनल गुड बोलते हैं उसको। तो एक तो हो गया, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। और दूसरे तरह का बिजनेस क्या होता है, उसमें कुछ बनाना नहीं होता, उसमें जो बिजनेसमैन होता है या जो भी सेलर होता है बेचने वाला, वो कहीं से सामान उठाता है और दूसरी मार्केट में बेच देता है उसको, या लोगों को महंगे में बेच देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेलिंग एंड परचेजिंग बिजनेस, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली रॉ मटेरियल आता है पहले वाले में, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है उसमें रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, कच्चा माल उसी में होगा ना। अगर मैं कोई चीज, कोई शर्ट कहीं से लाके कहीं पे बेच देता हूं, तो उसमें तो कोई कच्चा माल हुआ ही नहीं ना, उसमें तो बेसिकली कच्चा माल वही हो गया शर्ट, और मैंने बेच दी तो फाइनल गुड भी वही हो गया। तो बेसिकली आपको बस ये समझना है, जितने में मैं सामान खरीद के लाया कहीं से भी, वो हो गया कॉस्ट प्राइस मेरे लिए, ठीक है। तो पहली चीज क्या हो गई, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। तो जब भी कोई सामान खरीदा जाता है और जिस कीमत में उसको खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो ये सामान जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस पे लिया गया, उसके बाद इसको, इसके ऊपर काम किया गया और भी चीजें इसमें लगाई गई और ये बन गया फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स बन गया ये, मतलब ये पूरा रेडी है अब यूज करने के लिए। तो फिनिश्ड गुड्स को उसके बाद बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितने पे बेचा है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूं, इसको विक्रय मूल्य भी बोलते हैं, विक्रय मूल्य। इतना क्लियर, ठीक है। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस,
ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस समझ आ गया, सेलिंग प्राइस समझ आ गया। अब प्रॉफिट और लॉस समझना तो और भी सिंपल है, ये तो हम बचपन से ही करते आते हैं। ठीक है, आपने कभी ऐसा तो किया ही होगा, जैसे मान लो कोई दोस्त होगा, कोई भी रबड़ पेंसिल या कोई भी ऐसा सामान जो पढ़ाई में काम आता है आपने कहीं से खरीदा होगा और उसको जरूरत होगी। आपने 5 रुपए का खरीदा होगा, उसको कितने का बताया होगा, भाई ये 10 रुपए का है, सस्ते में दे रहा हूं, ठीक है दोस्त हूं तेरा, तो 10 रुपए का आप देते हो उसको। तो यहां पर आपको खुद ही पता होता है कि यहां पे आपको फायदा कितने का हुआ, 5 रुपए का हो गया। बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको पैसे में खरीदेंगे और फ्री में आपकी हेल्प कर देंगे, वो सच्चे दोस्त होते हैं, ठीक है उनको छोड़ना नहीं है। हाँ तो चलो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो पैसे में सामान लेके आया और आपको ऐसे ही दे दिया यूज के लिए, तो उसका तो लॉस हो गया ना। तो इस भाषा में देखो, बिजनेस की भाषा में अगर उसको नाम दिया जाए तो उसको लॉस हो गया। तो इसको हम बचपन से समझते आए हैं, लेकिन उसको हम फॉर्मूले में कैसे देख रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं। तो यहां देखो, प्रॉफिट गेन और सरप्लस तीनों एक ही चीज होती है, पहले तो ये समझ लो। अब क्वेश्चन में अलग अलग नाम से पूछते हैं, प्रॉफिट आ जाता है, गेन आ जाता है, सरप्लस आ जाता है, तो करना कुछ नहीं है। अब एक चीज देखो, जितने में सामान बेचा और जितने में खरीदा, प्रॉफिट कब होगा? अगर ये बड़ा होगा तब प्रॉफिट होगा, ये बड़ा होगा तब प्रॉफिट होगा। जितने में मैंने खरीदा अगर वो ज्यादा है और जितने में मैंने बेचा अगर वो कम है, तो यहां तो लॉस हो गया ना। दोबारा बोलता हूं, जितने में मैं खरीद के लाया, मान लो 100 रुपए में खरीद के लाया और 50 रुपए में उसको बेचा, ठीक है, तो इस वाले केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई, सेलिंग प्राइस कम हो गई। तो ये वाला जो केस है ये तो लॉस का बन गया भाई, सीधी सी बात है, यहां पर मेरे को नुकसान हो गया। तो प्रॉफिट का केस कब बनेगा? प्रॉफिट का केस तब बनेगा जब सामान बेचा गया है जितने में वो ज्यादा होगा और खरीदा गया था वो कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, इसीलिए यहां पर एसपी में से सीपी माइनस करके लिखा गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, मान लेते हैं किसी चीज की सेलिंग प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस समझते पहले, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 500 रुपीज, किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, मतलब उसको मैंने खरीदा 500 रुपए में, ठीक है, और जब मैंने उसको बेचा तो सेलिंग प्राइस थी 600 रुपीज, मतलब उस चीज के मेरे को 600 रुपए मिल गए, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो खरीदने वाली कीमत कम होगी और बेचने वाली कीमत ज्यादा होगी, तो उस समय मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है अब, तो यहां पर यह वाला फॉर्मूला बनता है। अब मैं प्रॉफिट अगर निकालना चाहूं तो प्रॉफिट कितना आएगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो जाहिर सी बात है 100 रुपए का मेरे को प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बना है कुछ इस तरह से ही बना है। तो प्रॉफिट अगर निकालने के लोग बोलते हैं क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, एसपी और सीपी को माइनस कर देना, ठीक है। उसी तरह अगर लॉस बोलेंगे तो सीपी और एसपी को भी माइनस कर देंगे, अब इसका एग्जाम्पल लेने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। लॉस कब होगा? जब इसका उल्टा सिनेरियो बनेगा, कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस कम होगी, कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होगी तो उस समय लॉस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है, गेन और लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी। तो जो गेन और लॉस होता है ना, ये दोनों किसके हिसाब से देखते हैं, सीपी के हिसाब से देखते हैं, हमेशा सीपी के हिसाब से देखा जाएगा। ऐसा क्यों? देखो, सीपी को हम मान के चलते हैं कि वहां से हमारी दुनिया शुरू हुई। जब भी कोई सप्लायर होता है वो क्या करता है, वो काम कहां से शुरू करता है, कॉस्ट प्राइस से ही काम शुरू करता है, क्योंकि वो उसको जब कोई सामान मिलेगा तभी तो वो बना के कहीं बेचेगा, ठीक है, तो वो कॉस्ट प्राइस दे के ही तो सामान लेता है। तो उसकी लाइफ में सबसे पहले कौन सी चीज आई है, कॉस्ट प्राइस ही आई है, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर के हिसाब से जो भी गेन और लॉस होता है, अगर वो बोलेगा कि भाई देखो मेरे को पूरे साल में इतना फायदा हुआ या इतना नुकसान हुआ, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही सोच के बोलेगा, सेलिंग प्राइस उसमें बीच में नहीं आती है कभी भी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही वो सोच के बोलता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो उसको ये दिखाएगी कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, तो ये जो रिकॉर्ड वर्ड है, रिकॉर्ड वर्ड का मतलब है, यहां पे आप कैलकुलेटेड भी लिख सकते हो, कि कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो, इसका मतलब वैसे तो होता है पहचानना, ठीक है, पहचानना। तो जो सी सॉरी गेन और लॉस होता है वो हमेशा सीपी से पहचाना जाता है, इतना क्लियर। एक और चीज यहां पे आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जब हम क्वेश्चन फ्रैक्शन रूल से करेंगे,
फ्रैक्शन रूल से जब क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीपी को है ना हमेशा हम 100 मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं इसमें, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है ना, तो सीपी से दुनिया शुरू हुई तो 100 हो गया सीपी। और अगर प्रॉफिट होता है जैसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो जो एसपी होगा, एसपी निकालने के लिए मैं प्रॉफिट को इसमें जोड़ दूंगा सीपी में, तो वो 120% हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वो चीजें हम बाद में समझेंगे, अभी आपको बस इतना समझना है कि गेन और लॉस निकालने के लिए हमेशा सीपी से ही हम मदद लेते हैं। अब देखो यहां पे गेन परसेंट लिखा है, यहां पे लॉस परसेंट लिखा है, दो फॉर्मूले और है, इसको समझ के हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं गेन परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपके हाथ में गेन होना चाहिए, तभी आप गेन परसेंट निकाल सकते हो। तो गेन कहां से निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला गेन का, ये दो चीजें दी हैं, तो आप पहले तो गेन निकाल लेना। ठीक है, ध्यान से देखना कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर गेन हो रहा होगा तो एसपी बड़ा होगा, तो गेन निकाल के इसको सीपी से कंपेयर करना। ठीक है, सीपी से कंपेयर करने पर मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाल देना। मैंने आपको बताया था सीपी से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि सब कुछ सीपी के हिसाब से तो चलता है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा इतना समझ लो कि गेन निकालने के लिए आप सीपी को ही लेंगे। लॉस निकालने के लिए बिल्कुल सेम, इस फॉर्मूले को यूज करके आप लॉस निकालना अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो चलो अब यहां पर ये सभी हमको पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन में दिया है द सीपी ऑफ अ शर्ट इज 2000, तो एक शर्ट खरीदी गई है 2000 रुपए में। इफ इट्स एसपी इज रुपीज 2400, ठीक है 2400 की एसपी है, बेची गई है 2400 रुपए में, फाइंड इट्स गेन और लॉस परसेंट। अब क्वेश्चन में बोला है कि गेन और लॉस परसेंट निकालो, तो आपको क्लियर नहीं किया है कि गेन होगा या लॉस होगा। ठीक है, अभी आपको खुद सोचना है। अब खुद सोचा तो हमने देखा कि जब एसपी बड़ी होती है सीपी से, जब भी एसपी सीपी से बड़ी होती है तो हमको पता है कि वहां पे गेन ही होता है हमेशा। ठीक है, तो यहां पर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया है कि यहां पे गेन निकाल सकता हूं मैं, और गेन परसेंट निकालने के लिए पहले गेन तो पता हो, उसके बाद परसेंटेज भी निकल जाएगी। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 2400 और सीपी है 2000, जिसको माइनस करने के बाद आता है 400, तो 400 का तो गेन आ गया 400 का। अब मैं क्या करने वाला हूं, गेन परसेंट निकाल देता हूं। अब गेन परसेंट का जो फॉर्मूला था वो मुझे याद है, यहां पे गेन था ऊपर और जिसको मैं कंपेयर करता था सीपी से, मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पे परसेंटेज का साइन आता था। इतना क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे गेन तो आ चुका है 400 जो अभी कैलकुलेट किया है मैंने। कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 2000 है कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं काटता हूं तो ये देखो यहां पे आ गया 5। ठीक है, और 5 को जब मैं 100 से काटूंगा तो यहां पे आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब गेन हुआ है 20% का। अगर ऑप्शन में लॉस 20% दिया होता तो उस पर टिक मत लगा देना, गेन 20% पे लगाना, यहां पर तो ऑप्शन में सीधा सीधा दिया है। क्लियर? तो 20% हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में लिखा है द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1.5 times इट्स सीपी। तो यहां पर लिखा है कि जो एसपी है, एसपी और सीपी दोनों ही नहीं दिए आपको, ठीक है, लेकिन बताया हुआ है कि जो एसपी है वो सीपी से 1.5 गुना ज्यादा है, मतलब 1.5 गुना है सीपी की, 1.5 गुना। ठीक है, एंड प्रॉफिट इज ₹100, फाइंड द सीपी। तो प्रॉफिट दे रखा है आपको, रियल वैल्यू आपके पास है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको मेन चीजें नहीं दी होती हैं लेकिन एक रियल वैल्यू दी होती है, तो उसमें हमको हमेशा एक्स मानना पड़ता है, इसमें 100 मान के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो एक्स मानना पड़ेगा। तो मैं एक्स किसको मानूंगा, हमेशा छोटे वाले को ट्राई करके एक्स मानना चाहिए। तो लेट सीपी, अब मुझे पता लग रहा है कि इसमें से छोटा कौन सा है, पहली लाइन पढ़ो दोबारा, सीपी जितनी भी सीपी है उसके 1.5 गुना एसपी है, और 1.5 गुना है तो उसका मतलब ज्यादा ही हो, है ना, तो कम क्या हो गया, सीपी हो गया। तो सीपी को मैं मान लेता हूं एक्स, और एसपी को क्या मान लूंगा, एसपी को मान लूंगा 1/2x। ठीक है, अब इसको तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूं जो कि हो गया 3/2x। ठीक है, अब ये दो चीजें मेरे पास हैं, एक तो सीपी है और एक एसपी है।
क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो भाई मेरे पास अभी कोई चारा नहीं है, मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला ही यूज कर सकता हूं जो कि होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। अब क्या करूंगा, तीनों की वैल्यू पुट कर देता हूं। प्रॉफिट मुझे 100 दिया हुआ है, एसपी जो है वो है 3/2x, जिसमें से मुझे x को माइनस करना है, सीपी सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको जब मैंने माइनस किया तो मैंने देखा कि 1/2 आ गया, 1/2x आ गया, ठीक है, और 2 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 200 हो जाएगी। आप पूरा सॉल्व करके देखेंगे इसको, और x क्या माना था मैंने, x माना था cp, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द cp, तो 200 आ चुका है, तो ये लो आंसर आ गया 200। अगर इसी क्वेश्चन में sp पूछते तो क्या करते, ये 200 का डेढ़ गुना कर देते, है ना। तो 200 को अगर मान लो sp पूछा होता क्वेश्चन में, तो हम क्या करते, 200 यहां लिखते और मल्टीप्लाई बाय 3/2 कर देते, डेढ़ गुना हो गया। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 रुपये। ये लो सारी चीजें निकाल के दिखा दी, ठीक है। वो जो चीज थी, वो जो आर्टिकल था, वो खरीदा था 200 रुपये में, बेचा 300 रुपये में, प्रॉफिट हो गया। और ये इसका डेढ़ गुना भी है, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले दो क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, अ बैट इज बॉट फॉर ₹75। तो एक बैट खरीदा गया है, तो ये बॉट वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है खरीदना। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये है सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ₹75 की कॉस्ट प्राइस है, और उसको बेचा गया है 8% के गेन पे, ठीक है। तो इस बार सेलिंग प्राइस ना देके उन्होंने गेन दे दिया 8% का। फाइंड इज एसपी, ठीक है, तो उसका एसपी निकालना है। अब ये एसपी जब निकालना है तो इसके लिए अगर मैं डायरेक्ट देखो इसको, मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, बेसिकली इसको तीन तरीके से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन रूल से भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है फॉर्मूले का मेथड, जो अभी हमने पढ़े थोड़ी देर पहले। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है, देखो गेन परसेंट यहां पे दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो अगर मुझे, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, अगर मुझे गेन पता लग जाए तो सीपी में प्लस करके एसपी निकालूंगा, कर सकता हूं ना, गेन पता लग जाए, ठीक है। तो गेन परसेंट दिया हुआ है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा देता हूं, यहां पे गेन परसेंट का ही फॉर्मूला लगाता हूं, जो कि मुझे पता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, ठीक है, इसी का फॉर्मूला लगा देता हूं। अब देखना कैसे करूंगा मैं, गेन परसेंट मुझे दिया हुआ है 8%, परसेंट लगा के चलना, गेन मुझे निकालना है, सीपी मुझे दिया हुआ है 75 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा और यहां पर भी परसेंटेज का निशान लगाऊंगा, इतना क्लियर। आपको पता है परसेंटेज का निशान क्या होता है, अगर हटा दो तो नीचे 100 लग जाता है, तो दोनों में नीचे 100 लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि दोनों परसेंटेज के साइन को मैं काट सकता हूं, काट दू जो बचा उसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो कर सकता है, देखो 4 और ये आ गया 3, 25 के टेबल से काट। अब ये 4 यहां पे नीचे जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 4 जब नीचे जाएगा तो इसे कटेगा 2 आ गया, और यहां पे 3 जब मल्टीप्लाई हो गया तो गेन हो गया ₹6 का, ठीक है, गेन आ चुका है, रुपीज में निकला है, परसेंटेज में नहीं है, रुपीज में, इतना क्लियर। तो ₹6 का गेन हुआ है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग गया गेन और मुझे पता लग गया मेरे पास पहले से ही है सीपी, तो एक फॉर्मूला होता है गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है, वैल्यू पुट कर दो एसपी की वैल्यू आ जाएगी। गेन क्या है, ₹6, एसपी क्या है निकालना है, सीपी क्या है 75, तो ये 75 यहां जाके प्लस कर दो, 81 हो गया, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया। तो एसपी जो आ गया वो है 81, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो या तो आप इतना टाइम खराब कर रहे हो, या एक और तरीका है जिसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड, ठीक है, परसेंटेज मेथड वाला तरीका होता है, ये सेकंड वाला तरीका है। इसमें क्या होता है, हमको पता है कि ये जो है 75 अपना 100% है, ये अपना 100% होता है, ठीक है। अब इसमें गेन हुआ है 8% का, तो भाई जाहिर सी बात है ये अपने आप से 8% ज्यादा हो, अपना 100% तो होगा ही और अपने आप से 8% ज्यादा होगा, और मुझे क्या निकालना है, जब ये 8% बढ़ा होगा तो कितना हुआ होगा उसकी कीमत, मतलब एसपी निकालना है ना, ये निकालना है।
तो भाई सीधी सी बात है, इसको 8% बढ़ा देते हैं तो 100% तो अपना है, 8% ही होगा। ठीक है, आप सीधा सीधा आंसर निकाल पाओगे। देखो कैसे, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 3 और 4 हो गया, इसको काटते हैं, 4 2 8 4 7 और 27 मल्टीप्लाई में 3 होता है 81 रुपी, ये सीधा 81 रुपए पे पहुंच गया। चलिए प्राइस आ गया, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में अगर गेन पूछा होता तो आप इसमें से इसको माइनस करके गेन 6 रुपए निकाल देते, या आप ऐसे भी कर सकते। ठीक है, अब तीसरा सुनो, जो कि फ्रैक्शन रूल। देखो फ्रैक्शन रूल को अभी क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ गए तो बहुत आसान है। फ्रैक्शन रूल भी इसी तरह से होगा बिल्कुल, लेकिन उसको लिखने के तरीके थोड़े से होते हैं जो कि समझने वाले होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, फ्रैक्शन रूल में एक रूल, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप तो होता है कि हमको जो वैल्यू दी हुई है ना नंबर में वो लिखनी है। ये मैं क्या कर रहा हूं, फ्रैक्शन रूल से करके लिख रहा हूं, फ्रैक्शन रूल। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपको रियल वैल्यू दी हुई है उसको यहां पे लिख दो, उसके बाद मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन में दो नंबर होते हैं, एक लिखूंगा ऊपर एक लिखूंगा नीचे। तो इसमें फ्रैक्शन रूल में मैंने आपको दो स्टेप बताए थे। ठीक है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये तो बस जो दिया है वो उठा के लिखे। तो पहला स्टेप क्या है कि मुझे ऊपर कौन सा नंबर लिखना है, नीचे कौन सा नंबर लिखना है वो ढूंढने हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वो कैसे ढूंढूंगा मैं, उसको ढूंढने का एक तरीका है जो कि मैंने स्टेप्स में बताया हुआ है फ्रैक्शन। तो पहला नंबर क्या होता है, पहला नंबर ये होगा जो इसके साथ डायरेक्ट लिंक बना रहा होगा परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। अब इसको मैं 100 मान के चलता हूं ना हमेशा, ये सीपी तो है तो इसको मैं 100 मान के चलता हूं, तो पहला नंबर तो हो गया 100, तो डायरेक्ट लिंक वाला पहला नंबर हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, दूसरा नंबर होता है जो मुझे निकालना है, निकालना क्या है मुझे, एसपी निकालना है जो कि 8% नहीं है, कभी भी 8% एसपी नहीं हो सकता, जब ये वाला जो नंबर है वो खुद 100% है। तो एसपी 8% तो हो गए, तो इसका मतलब जो 8% दिया हुआ है उसको मैं यहां पर डायरेक्ट 8% नहीं लिख सकता, मुझे एसपी निकालना है जो कि 100 इतना तो है ही प्लस 8 और। तो दूसरा नंबर हम कौन सा लिखते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में वो लिखते हैं, पूछा क्या है एसपी। तो पहला नंबर हो गया सीपी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरा नंबर होता है एसपी जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हमेशा दो नंबर ऐसे लेने, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, परसेंटेज के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है, और जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो क्या है, ये दो नंबर हो गए, पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप क्या बोलता है, दूसरा स्टेप यह बोलता है कि आपको फ्रैक्शन इस तरह से बनाना है, पहले तो आपको यह देखना है कि आपका आंसर ज्यादा आना चाहिए कम आना चाहिए। आपको ये वैल्यू दी है ना 75 रुपए, अगर 75 रुपए आपको जो वैल्यू दी है, आपको लगता है जो आंसर आना चाहिए, जो जो चीज क्वेश्चन में पूछी है उसकी वैल्यू इससे कम आएगी, तो क्या करोगे, इसमें से 100 को ऊपर लिखोगे, 108 को नीचे लिखोगे। तो क्या आपको लगता है एसपी बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आपने कैसे बताया बड़ा होना चाहिए। देखो 8% गेन दिया हुआ है, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, इतनी देर से हम यही समझ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस और गेन अगर दिया होता है तो सेलिंग प्राइस जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज निकालनी, अब इसको बढ़ाना है मुझे, मतलब मेरे को आंसर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ये हो गया 108 और यहां पर लिख दिया मैंने 100, इतना क्लियर। एक बार दोबारा से बता देता हूं, जब भी फ्रैक्शन रूल लगाओ आप तो सबसे पहले जो रियल वैल्यू दी हुई है वो यहां पर लिखना, और ये दो नंबर आपको फाइंड आउट करने होते हैं, और ये दो नंबर कौन से होते हैं, एक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल वैल्यू वो क्या है 100% है परसेंट के हिसाब से, ठीक है, और दूसरा आपको दिया होता है जो क्वेश्चन में निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 108 करके ही आएगा, 8 से सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, अगर आप 8 कर दोगे ना तो आपको बताता हूं आपका प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट की असली वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अगर यहां पे आपने गलती से 8 लगा दिया ना तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा जो कि हमको नहीं चाहिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपका देखो ना यही फ्रैक्शन बन गया, तो ये पूरा करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 27 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, तो 81 आ गया। ठीक है, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि तीनों मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड ये है, आपको आगे जाके अपने आप पता लग जाएगा क्यों। ठीक है, आपको हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए लग रहा हो कि ये वाला बेस्ट मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटे में कर दिया,
लेकिन अगर कभी गलती नहीं करना चाहते क्वेश्चन में तो ये वाला मेथड सीखो, इसमें 100% आपका सही आंसर इतना क्लियर ठीक है। तो तीनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है, अगला क्वेश्चन भी मैं कोशिश करके आपको फ्रैक्शन रूप से ही करके दिखाऊंगा ठीक है। चलो देखते हैं, तो अ चेयर इज बॉट फॉर रुपीज 750, तो इसका मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस दी हुई है 750 रुपए ठीक है, सीधा सीधा है। एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%, अच्छा तो यहां पे लॉस आ गया, लॉस 6% है, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है, फ्रैक्शन रूल लगाए ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन रूल लगाते हैं, ये हो गया 750 मल्टीप्लाई बाय मुझे यहां पे एक फ्रैक्शन मिलना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, मुझे दो नंबर चाहिए, मुझे दो नंबर चाहिए, और दो नंबर भी कौन से होने चाहिए जिसमें से एक इसके साथ डायरेक्ट लिंक बनाए और दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा है उसके साथ डायरेक्ट लिंक बनाए ठीक है। तो इसके साथ परसेंटेज के हिसाब से डायरेक्ट लिंक कौन बनाएगा, भाई सीपी दिया हुआ है तो ये 100 रुपए, सीपी को 100 मान के चलना हमेशा याद रखना ठीक है। और एसपी के साथ डायरेक्ट लिंक चाहिए मेरे को, जो कि ये 6% नहीं देगा, 6% तो लॉस के साथ डायरेक्ट लिंक दे रहा है ठीक है। अब एक चीज बताओ, मुझे पता है कि जब प्रॉफिट हुआ था तो मैंने प्रॉफिट को 100 में प्लस कर दिया था, अब लॉस होगा तो लॉस को 100 में माइनस करूंगा है ना। तो सिंपल देखो, सीपी में से इस परसेंटेज में से ये वाली परसेंट माइनस कर देता ठीक है। तो ये वाली जो परसेंट माइनस की है मैंने तो क्या हो गया 94, तो दूसरा नंबर आ गया 94, इतना क्लियर यहां तक क्लियर है। अच्छा एक चीज आपको और बता, आप बोल रहे हो कि सर यहां पे परसेंटेज परसेंटेज बोल रहे हो लेकिन लिख भी तो बिल्कुल सही है। मान लो कि ये जो दो नंबर मैं मान रहा हूं ना, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये परसेंट हो गया और ये भी परसेंट हो गया, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस परसेंटेज को यहां लिखोगे तब काटना तो पड़ेगा ना, तो आप लिख लो अभी अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन बाद में काट भी, इसीलिए मैं परसेंटेज लिख नहीं हूं, इतना क्लियर। तो यहां पर दो परसेंटेज आ गई है, अब देखो दो परसेंटेज कौन सी है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है, ऐसा कर लेते हैं सीपी से डायरेक्ट लिंक ये बिठा रहा है और एसपी से डायरेक्ट लिंक ये बिठा रहा है। ये जो होता है, दोबारा बता रहा हूं, ये जो होता है ये क्वेश्चन में जो दिया होता है उसके हिसाब से बनाते हैं, और ये जो क्वेश्चन में पूछा होता है उसके हिसाब से बनाते हैं ठीक है। चलो अब मुझे पता है कि 100 और 94 दो नंबर मेरे पास हो गए, अब यहां पर मुझे ये पता लगना है, करना है कि एसपी ज्यादा होगी या कम होगी है ना। एक स्टेप तो मैंने कर लिया, पहला स्टेप दो नंबर ढूंढ लिए, अब मुझे ऐसा फ्रैक्शन बनाना है कि मेरा आंसर आ जाए। अच्छा ये बताओ कि जब प्रॉफिट यहां पे हुआ नहीं है, लॉस हुआ है 6% का, इतने में मैंने खरीदी थी तो बेची कम में होगी या ज्यादा में, कम में बेची होगी तभी तो लॉस हो गया, तो मेरा आंसर कम आना चाहिए। तो देखो इस बार ऊपर क्या लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा ठीक है। करके देखते हैं, तो ये देखो इसको काट दो पहले, तो 0 से 0, इसको मैं 5 से काट देता हूँ, ये हो गया 1500 15 है यहाँ पे 15 हो गया और ये 2 हो गया, और इसको 2 से काट देता हूँ तो ये हो गया 47 ठीक है। तो 47 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 47 को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए शॉर्टकट क्या कर सकता हूँ, पहले तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। 5 से कैसे मल्टीप्लाई करूँ, आधा कर दो इसको ठीक है ना, आप चाहो तो 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, कोई नहीं, ये हो गया 0 और ये हो गया 705 हो गया ठीक है। तो एसपी मेरा आ गया है डायरेक्ट 705 एसपी। यहां पे एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहता हूं ठीक है, ये तो क्वेश्चन में एसपी पूछा था, अगर मान लो यहां पे पूछा होता कि लॉस कितने रुपए का होगा तो भी फ्रैक्शन रूल से निकाल सकते ठीक है। अब देखो कैसे, या तो आप इतना झमेला कर लो, हमको एसपी थोड़ी चाहिए, हमको तो लॉस चाहिए ना, तो हम बस इन दोनों नंबरों में फर्क डाल देते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर लॉस निकालना है मुझे, लॉस निकालना है रुपए में, तो ये तो 100 ही रहेगा, ये तो हमेशा मेरे साथ, क्योंकि ये तो सीपी का है, और लॉस निकालना है तो मुझे क्या करना है 6%, इस बार 104 नहीं 6% लिखना, क्योंकि ये मुझे निकालना है आज जो क्वेश्चन में पूछा वो दूसरा नंबर, दो नंबर हो गए। अब एक बात बताओ, 750 तो लिखूंगा ही मैं और उसके साथ एक फ्रैक्शन बनाऊंगा, फ्रैक्शन बनाऊंगा ठीक है। अब मुझे ये पता है कि लॉस इस अमाउंट से तो हमेशा कम ही होगा ना,
है ना, 750 से ज्यादा का लॉस तो नहीं हो सकता ना, लॉस तो इससे कम ही होगा। तो भाई सीधी सी बात है, 6 ऊपर लिखूंगा 100 नीचे लिखूंगा। अब इसको आप दोबारा से काटना चाहो तो काट लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, 15 3 45, तो 45 रुपीज का लॉस हुआ है। यहां पर खुद देख लो, खरीदी थी 750 में, बेची है 705 में, 45 रुपए का लॉस हो गया। तो देख लो फ्रैक्शन रूल कितने काम का है, ठीक है। अभी आपको आगे जाके पता लगेगा ये और कितने काम का है। सो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस करना सीख लिया है। और बेसिक क्वेश्चन या तो आप फॉर्मूले से कर लो या डायरेक्ट फ्रैक्शन रूल से भी कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रैक्शन रूल आप वहीं लगा सकते हैं जहां पर एक वैल्यू दी है और एक परसेंटेज आपको दिया हुआ है। अगर दो वैल्यू दे दी है तो उसमें तो आप वो फॉर्मूले से ही निकालना तभी बेटर है, है ना, क्योंकि उसमें गेन निकालोगे उसके बाद इनको गेन परसेंट निकालोगे, ठीक है। तो वो हम आगे जाके सीखेंगे और क्वेश्चन जब करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म करते हैं, तो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ और नए क्वेश्चंस।